नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देव एमटीआर। ये है हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट BS6। ये तीन कलर ऑप्शन के साथ आती है। ड्रम और डिस्क दो वेरिएंट मिलते हैं। आप देख रहे हैं स्प्लेंडर आई स्मार्ट का ड्रम वेरिएंट। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके फीचर्स, माइलेज और प्राइस के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का विंडशील्ड का ग्लास मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको हीरो का 3D में लोगो देखने को मिल जाता है। और इसके वाइजर के साइड में आपको ब्लैक कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं नॉर्मल बल्ब के साथ। और इसमें आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प मिल जाती है, जो कि वी शेप में दी गई है। और आप इसकी रोशनी को देख सकते हो, जो कि जलने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। और अब चलते हैं इसके नीचे की साइड में। तो यहाँ पर आप इसके टायर की ग्रिप को देख सकते हो। और इसका जो फ्रंट मडगार्ड है वो ग्लॉसी रेड कलर का दिया गया है, जो कि डुअल टोन कलर में है। और यहाँ पर आपको IBS का लोगो मिल जाता है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसकी आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं। और यहाँ पर आपको मीटर केबल और मीटर गिरारी का सेटअप मिल जाता है। और इसमें आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में आपको 80/18 का टायर साइज मिल जाता है। इसमें आपको C8 कंपनी के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, जो आपको स्प्लेंडर प्लस में मिलते थे। और इसमें आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं दोस्तों। अब आप इसको साइड प्रोफाइल की तरफ से देखोगे तो इसका बॉडी कलर डुअल टोन कलर में दिया गया है, रेड और ब्लैक में। और इसके नीचे की जो थीम है वो ब्लैक कलर की दी गई है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में क्रोम का यूज किया गया है। और इसके फ्यूल टैंक पर आपको जो है स्प्लेंडर का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और इसके नीचे की साइड में आई स्मार्ट का स्टिकर दिया गया है। इसमें आपको रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ग्राफिक्स की पट्टी मिल जाती है ब्लैक कलर की। और यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक का कैप दिया गया है। और इसके फ्यूल टैंक में आपको 9.5 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। ओवरऑल इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है रेड और ब्लैक का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसके पैनल के ऊपर आपको I3S की ब्रांडिंग मिल जाती है और रेड कलर की लाइनिंग देखने को मिल जाती है। और इसके पीछे वाले काउल के ऊपर आपको हीरो का स्टिकर मिल जाता है। और यहाँ भी आपको डुअल टोन कलर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इसके रियर वाले टायर के साइज की बात करें तो यहाँ भी आपको 80/18 का टायर साइज मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं C8 कंपनी के और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स में मिल जाते हैं। और इसमें आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो आपको स्प्लेंडर प्लस में मिलते हैं। और इसके नीचे की साइड में आप इसके टायर की ग्रिप को देख सकते हो। इसमें आपको 130mm की ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर की साइड में देखें तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर हीरो का स्टिकर दिया गया है। अब आप इसके पीछे की साइड से इसकी टेल लैंप की डिज़ाइन को देखोगे तो काफ़ी यूनिक सी डिज़ाइन इस बाइक में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि जलने के बाद इसकी जो रोशनी है वो कुछ इस टाइप से नज़र आती है। और इसके साइड में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं बल्ब वाले, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों इसकी सीट की बात करें तो इसकी जो सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हम इसको स्प्लेंडर प्लस की सीट से कंपेयर करें तो इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है स्प्लेंडर के मुकाबले। और यहाँ पर आपको हीरो का स्टिकर मिल जाता है। और इसके पैनल पर भी आपको I3S की ब्रांडिंग मिल जाती है डुअल टोन कलर के साथ। और यहाँ भी आपको इसके दूसरे साइड में आई स्मार्ट और स्प्लेंडर के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। और इसके नीचे की साइड में आपको प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसके पीछे की साइड में आपको एक ब्लैक कलर का लेग गार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट दिया है। और यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का चैन सेट कवर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मेन स्टैंड और साइड स्टैंड देखने को मिल जाते हैं। और इसके साइड स्टैंड के ऊपर आपको एक सेंसर देखने को मिल जाता है। इसमें 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है इसके इंजन के ऊपर। और इसमें 4-स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है। इसके इंजन और पावर की बात करें तो 113.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक सिंगल सिलेंडर OSC BS6 FI का इंजन मिलता है, जो देता है 9.15 PS की पावर 7500 RPM पर और 9.89 Nm का टॉर्क देता है 5500 RPM पर। इसका कर्व वेट है 118 kg। अब दोस्तों इसके इंजन के दूसरी साइड से बात करें तो यहाँ भी आपको प्रोग्रामेड FI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब आप इसके इंजन के कलर को देख सकते हो, फुली ब्लैक कलर का दिया गया है। और इस यहाँ पर भी आपको जो है हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको ऑयल फिल्टर दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लच, और यहाँ पर आपको जो है मोटर, और यहाँ पर आपको स्पार्क प्लग, और यहाँ पर आपको जो है कैटलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर मेटल की प्लेट दी गई है। और यहाँ से आप इसके एग्जॉस्ट को देख सकते हो, फुली ब्लैक कलर का दिया गया है। और यहाँ पर आपको जो है ब्लैक कलर की प्लेट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ब्रेक पैड दिया गया है।
और इसके एग्जॉस्ट के ऊपर आपको जो है एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ भी आपको इसके इंजन के हेड पर एक सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। इस बाइक में आपको 2 से 3 लीटर पेट्रोल आराम से रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो है फ्यूल मोटर फ्यूल पम्प ख़राब हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की। इसके मीटर कंसोल में आपको एनालॉग और डिजिटल टाइप का मीटर देखने को मिल जाता है, जैसा कि मैं इसकी चाबी से ऑन करके दिखा देता हूं, तो यहां से आप देख सकते हो। और यहां पर आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, और यहां पर इकोनॉमी जोन दिया गया है, और यहां पर आपको फ्यूल के लिए सेपरेट मीटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेशन लाइट, यहाँ पर आपको गियर की न्यूट्रल लाइट, और यहाँ पर आपको I3S की इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल लाइट, और यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है जिसमें आपको स्पीड और किलोमीटर पर आर की स्पीड मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है इंजन माल फंक्शन लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको ट्रिप की बटन मिल जाती है, यहाँ से आप इसके मीटर को एडजस्ट कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो है एक हैंडल बार रॉड मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर की दी गई है। और यहाँ पर आपको जो है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब जैसा कि आप इसके दूसरी साइड में चलें तो यहाँ भी आपको जो है I3S का स्विच मिल जाता है, जैसा कि इसमें I3S टेक्नोलॉजी दी गई है। और यहाँ पर आपको सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 60 से 70 किलोमीटर पर लीटर का आसानी से माइलेज मिल जाएगा अगर आप इसको 40 से 50 की स्पीड में चलाते हैं तो। अब हम बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की, तो iSmart का ड्रम वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 85,150 रुपये, और इसके डिस्क वेरियंट का ऑन रोड प्राइस है 90,000 रुपये। ये ऑन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है साइनेश्योर हीरो मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम का। शोरूम की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदर स्टेट वाले अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं ऐसे ही नई नई बाइक की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।